अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, 3x-2 मल्टीप्लाई करना है x+5। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x+5, फिर ये -2 है -2, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे x+5। आप देखिए इसका 3x इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, फिर -2 का इसमें करेंगे, फिर -2 का इससे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3x(x+3x)5 माइनस है 2, देखिए 2x(x)-+-2×5। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, हमें मालूम है a पावर m इंटू a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए 3xx(x)2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 3×5=15। यहाँ पे सिंगल x है, -2x हो गया, अब 5×2=10। आप देखिए बच्चों ये x है, ये देखिए, अब यहाँ पे 3x² में कितना सेपरेट करेंगे, 2 सेपरेट करेंगे 15 में, तो व्हाट वी गेट, मुझे मिलेगा 13x-10, और ये रहा मेरा आंसर। इसके बाद इसका जो है थर्ड पार्ट है आपका a+3b and by a+b, सिंपल सी वही बात है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a+3b और a+b। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, तो देखिए a+b+3 है 3b a+b। तो यहाँ पे देखिए ये इससे कर दिए, फिर ये इससे कर दिए, फिर ये इससे कर दिए, फिर ये इससे कर दिए, तो देखिए a+a×b+3b×a+3b×b, देखिए 3b×b। अब देखिए पावर वही फार्मूला, a²+ab+3ab+3b²। अब देखिए ab ऐड हो जाएगा, a²+4ab+3b²। आप देखिए बच्चों इसमें दिया हुआ है, आप देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे, या इस ब्रैकेट को पहले लिख दीजिए, कोई चीज दिक्कत नहीं। तो पहले x² करेंगे, x+2+5x है, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें, तो देखिए वही सेम कंडीशन, इसका इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, x²(x)+x²(x)+5x(x)+5x(2). देखिए इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए। आप देखिए x³ हो गया, पावर ऐड हो जाएगा, +2x² and +5x²+5×10x। आप देखिए x²² ऐड हो जाएगा, x³+7x²+10x, ये आंसर हुआ बच्चों। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो भी है, थर्ड पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे x³+2 and 3x²-1। अब बहुत सिंपल सी बात, अब देखिए सेम वही कंडीशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए x³ तो क्या हुआ, 3x²-1, ये +2 है, +2 लिख दिए, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, 3x²-1 मल्टीप्लाई के लिए कितना हुआ, 3 आप ऐसे कहिए x³(3x²-2×3x²-2)1=2। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई के लिए किए तो 3x² (2×3)5 हो जाएगा, ऐड हो जाता है पावर, -x³(1)+3×2=6 x² - कितना हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चों ये आंसर हुआ, इसमें कोई भी देखिए ये 5 है, ये x³ है, ये स्क्वायर है, और कुछ नहीं है। तो ये रहा मेरा आंसर। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 3 पार्ट दे दिया है, तो
तो पहले इसका इसको सॉल्व करो, इसको साइड में रख दो, इस ब्रैकेट में कर लो ऐसे, ठीक। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसमें, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको एक्स प्लस वन कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसका इस पे करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस है, ये माइनस वन है, ध्यान देना ये माइनस वन है, वन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स एक्स प्लस वन। तो देखिए कितना हुआ, टू एक्स पावर फोर प्लस ए एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स प्लस वन। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप देखिए इस एक्स को पहले भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस वन और फिर टू एक्स पावर फोर। तो आप देखिए इसको पहले लिख दिए, टू एक्स पावर फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे, टू एक्स इंटू टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हम प्लस वन है, फिर प्लस वन का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे, टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप देखिए बच्चों जैसे टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स होता है या थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स, उसी तरीके से मैंने क्या किया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई में चाहे इस साइड लिखो उस साइड लिखो वैल्यू चेंज नहीं होगा, जैसे इसमें सिक्स सिक्स आया, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो देखिए इसमें करेंगे तो टू एक्स पावर फाइव हो जाएगा, प्लस थ्री है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर फोर हो गया, माइनस टू एक्स पावर टू है तो थ्री हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वही रहेगा, किसी मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम ब्रैकेट ओपन कर दो, बाकी वही रहेगा। आप देखिए इसमें कुछ आप लोग ऐसी चीजें जो कॉमन चीजें जो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा। देखिए टू एक्स पावर फाइव कहीं है नहीं, सिर्फ रहिएगा टू एक्स पावर फाइव प्लस एक्स पावर फोर कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए यहाँ और यहाँ कितना हुआ थ्री एक्स पावर फोर, फिर देखिए बच्चों क्या होगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो देखिए टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब दो में से वन सब्ट्रैक्ट किए, टू एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या आया ओनली माइनस एक्स क्यूब आएगा, टू एक्स क्यूब माइनस देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस, तो माइनस टू और माइनस वन, तो थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस कितना हुआ एक्स हुआ, और ये मेरा आंसर हुआ, ठीक। इसको हम आंसर कर देंगे, ठीक है, ये टू एक्स पावर फाइव प्लस थ्री एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। आप देखिए बच्चों चाहे इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और चाहे इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो मैं क्या करूँगा लास्ट के ब्रैकेट लूँगा ये और ये। आप देखिए बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे टू ए बी। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी स्क्वायर का इन सब में करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो देखिए बच्चों यहाँ ए स्क्वायर बी पावर फोर हो जाएगा, फिर प्लस ए ये रहेगा बी पावर थ्री हो जाएगा क्योंकि दो दो और एक तीन माइनस इसमें करेंगे ए ए क्यूब हो जाएगा एंड ठीक ए क्यूब हो गया फिर टू हो गया माइनस प्लस माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। आप देखिए बच्चों अब इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन सम ए स्क्वायर बी पावर फोर प्लस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस टू ए बी किस में करेंगे ए स्क्वायर
बी पावर फोर प्लस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ ए पावर फोर हो जाएगा, ए पावर फोर बी पावर फोर प्लस ए क्यूब बी क्यूब हो गया माइनस ए में ही ऐड होता चला जाएगा, ए पावर फाइव बी क्यूब माइनस ए पावर फोर बी स्क्वायर माइनस देखिए टू ए दो और एक तीन और बी पावर फाइव माइनस प्लस माइनस टू ए स्क्वायर देखिए एक ए स्क्वायर बी पावर फोर हो गया माइनस माइनस प्लस टू ए पावर फोर बी पावर फोर माइनस माइनस प्लस टू ए पावर थ्री इंटू बी पावर थ्री। आप देखिए बच्चों ए पावर थ्री बी पावर थ्री ए पावर फोर बी पावर फोर तो देखिए एक यहाँ पे तो टू और वन कितना हुआ थ्री ए पावर फोर बी पावर फोर। अब ए पावर फाइव और कहीं नहीं है, अब ए क्यूब बी क्यूब देखिए ये है यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब और कहाँ पे है इस जगह है तो टू और वन थ्री ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए पावर फाइव बी पावर थ्री और कहीं नहीं है रहने दीजिए ए पावर फोर बी स्क्वायर देखिए ये और ये तो कितना हो गया माइनस थ्री ए पावर नहीं होगा क्योंकि ये ए पावर फोर है बी पावर फोर है वहाँ पे और कहीं नहीं तो इसको ऐसे ही राइट कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे ए पावर फोर बी स्क्वायर माइनस देखिए टू ए क्यू बी पावर फाइव टू ए क्यू बी पावर फाइव और फिर क्या बचा बस हो गया एंड माइनस टू ए स्क्वायर बी पावर और ये मेरा आंसर ठीक। पिंकी आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स प्लस फाइव वाई माइनस टू टू वाई एंड फिर इसका एक्स प्लस फाइव वाई कितना हुआ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो गया फिफ्टीन एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस माइनस प्लस माइनस फाइव हो गया टेन वाई स्क्वायर। आप देखिए बच्चों फिफ्टीन में से टू सबट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा थर्टीन एक्स वाई माइनस टेन वाई स्क्वायर। आप देखिए बच्चों इसमें आंसर हुआ। अब x की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करें तो वेरीफाई करना मीन्स x और y की वैल्यू पुट करना है देखिए थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस थर्टीन इंटू वन इंटू माइनस वन माइनस टेन इंटू माइनस वन का स्क्वायर देखिए थ्री प्लस थर्टीन माइनस थर्टीन हो जाएगा माइनस थर्टीन और माइनस टेन इंटू वन तो देखिए थ्री इंटू थर्टीन माइनस टेन तो इसको 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टेन और माइनस टेन आंसर क्या आया माइनस ट्वेंटी। और बच्चों इसी तरीके से एक एक्सरसाइज होता है और इसको कंप्लीट करेंगे।